हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छा होंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। एक बार मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 26 मई के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। तो हमारी टीम जो है वो और एफर्ट कर रही है आपके लिए, तो हम आपको उससे ज़्यादा वीडियोस और भी ज़्यादा वीडियोस देंगे। और हम पूरा जो है एक मई का मैराथन लेके आ रहे हैं कुछ दिनों में, जिसमें कि मई के अंदर जो भी चीज़ें हुई है वो पूरा आपको 1 घंटे का होगा वीडियोस अप्रोक्सीमेटली, हमने माना है। अभी चल रही है उस पर प्रिपरेशन। तो पूरी जो मई के अंदर, किसी ने ये वीडियोज़ नहीं देखे हो, कुछ छूट गया हो, तो पूरे मई के अंदर जो भी करंट अफेयर्स होंगे, जो भी इंसिडेंट हुए होंगे, जो भी न्यूज़ होंगे, वो सब उसमें कवर्ड होगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखें। माउंटेन कंसेप्ट नाम से है ये। अभी हमारी टीम इस पर लगी हुई है काम करने में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज यू नो बिफोर स्टार्टिंग आज का मोटिवेशनल कोट, हाउएवर डिफ़िकल्ट लाइफ मे सीम, देर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। कितनी भी मुश्किल लाइफ क्यों ना हो, वहाँ पे हमेशा एक ऑलवेज कुछ ना कुछ रहता है जहाँ से आप कर सकते हो और सक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देखो ये किसने बताया है कि इनकी डेथ हुई थी हॉल में ही, कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका क्या नाम है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखो, स्टार्ट करने के की देर है बस। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस एक 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ आपका, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर अपन सेशन पे चलेंगे। कि आप अगर लाइफ के बाउंस बैक जाओ थोड़ा सा, आज से आप 10 साल पहले जाओ ना, मैं आपको बस 10 साल की बात करो, ज़्यादा नहीं जा रहे हम, 10 साल पहले जाओ तो भुवन बाम्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो स्कूल में पढ़ाई करते थे, टुडे ही इज़ द बिगेस्ट यूट्यूबर। बस 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। इंस्टाग्राम, जो आजकल के यूथ जिसमें बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, 0 यूज़र था, 0, और आज के डेट में 1 बिलियन यूज़र है इंस्टाग्राम के। टिकटॉक का कोई नामो निशान नहीं था, नो वन नो द टिकटॉक, और आज के डेट में देख लो टिकटॉक कितना फेमस है। टेक्निकल गुरुजी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, आज विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज के डेट में देख लो टेक्निकल गुरुजी कहाँ पे है। अनअकैडमी, कोई जानता ही नहीं था कि अनअकैडमी नाम की कोई चीज़ भी है, मात्र 10 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और आज आप देख लो कि बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप है अनअकैडमी। तो डियर फ्रेंड्स, बस एक ही है कि आपको स्टेप लेना है। आपने एक बार स्टेप ले लिया फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती है। बाधाएं आती है, डिफ़िकल्टीज आती है, आप उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे हो पाते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, बस दैट्स डिफाइन योर ट्रू पर्सनालिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया? 25 मई को। 25 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थायराइड डे। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे, विश्व का मिसिंग चिल्ड्रेन डे, मतलब बच्चे जो खो जाते हैं, वो कब है? 25 मई को। क्लियर है? अब एक जो है, एक चीज़ जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, ओपन स्काइज ट्रीटी। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रीटी क्या होता है। ट्रीटी होता है एक एग्रीमेंट बोलते हैं, पहले के टाइम में होता था, जो साइन किए जाते थे 2 देशों के बीच में। जैसे हिस्ट्री में अगर अपन जाएंगे, 10th क्लास की बात करें, तो हम पढ़ते थे ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हिस्ट्री में 10th क्लास में, ये कि ये एग्रीमेंट साइन होते थे। ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता था जब नेपोलियन की डेथ हो गई थी, ऐसी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाए तो देखो, यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अनाउंस विदड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी। उन्होंने बोला कि हम इस ट्रीटी से विदड्रॉल कर लेंगे, एक्यूजिंग डैट रसिया हैज़ नॉट स्टक टू इट्स पार्ट ऑफ द डील, कि रसिया जो है वो स्टक नहीं है उस पार्ट्स ऑफ डील में, उसमें आया नहीं है। अब ये ट्रीटी है क्या?
सबसे पहले कब साइन हुआ था ये? 1992 में। इफेक्ट में कब आया? 2002 में। अब ये ट्रीटी है क्या? एक एग्रीमेंट है जो कि अलाउ करता है 34 सिग्नेटरीज कंट्री को टू मॉनिटर आर्म डेवलपमेंट, जो आर्म्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है, बाई कंडक्टिंग सर्विलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर टेरिटरीज, एक दूसरे टेरिटरीज पे सर्विलेंस फ्लाइट को अनआर्म्ड के लिए कंडक्ट करने के लिए। देयर फोर द ट्रीटी स्टेबलाइज एन एरियल सर्विलेंस सिस्टम। इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि एक एरियल सर्विलेंस सिस्टम स्टेबलाइज होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। बोथ यूएस एंड रसिया आर सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रीटी, और दोनों यूएस और रसिया जो है वो इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देखो सबसे पहले ट्रीटी क्या है कि 1992 में ये आया था, साइन हुआ था, और 2002 में आया था ये। ये एक एग्रीमेंट है, इट इज़ एन एग्रीमेंट डेट अलाउज इट्स 34 सिग्नेटरीज, 34 सिग्नेटरीज कंट्रीज को मॉनिटर आर्म डेवलपमेंट, आर्म डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए सर्वेलेंस फ्लाइट के द्वारा ओवर ईच अदर टेरिटरीज, एक दूसरे की टेरिटरीज में। इसीलिए द ट्रीटी स्टेबलाइज्ड एन एरियल सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये ट्रीटी क्या करता है? स्टेबलाइज करता है क्या? एक एरियल सर्वेलेंस सिस्टम फॉर इट्स पार्टिसिपेंट। यूएस और रसिया इसके सिग्नेटरीज है ट्रीटी के, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, सीए भवानी देवी इज रिलेटेड टू विच गेम? सीए भवानी देवी है ये किस गेम से रिलेटेड है? आंसर है फेंसिंग। नेक्स्ट, कुडोल इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कुडोल एक इनिशिएटिव है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू मणिपुर। मणिपुर कुडोल किससे रिलेटेड है? मणिपुर। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली? किसको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल? किसका? हेल्थ सर्विस का, DGHS। DGHS बोलते हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस का, हेल्थ सर्विस के लिए जो डायरेक्टर जनरल, किसको बनाया गया? आपका ऑप्शन है आभास झा, नूतन मुंडे, तपन सिंगल, सविता कुमारी। तो आंसर है आपका नूतन मुंडे। नेक्स्ट, राइट्स एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? राइट्स जो है एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब इसने कितना परसेंट स्टेक लिया है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब भारतीय रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो स्टेशन वगैरह के डेवलप करते हैं। आपने देखा होगा पहले के स्टेशन में, आपके स्टेशन में कितनी डिफरेंस आ रही है, ये रिनोवेट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें लग रही है। तो राइट्स ने एक्वायर कितने परसेंट एक्वायर की है? आपके ऑप्शन है 14, 24, 27, 36। आंसर है 24, 24% स्टेक्स, 48 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी, हमें उस कंपनी का नाम बताना है विच हैज पार्टनर विद चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, CIFL, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। एक फाइनेंसिंग स्कीम आई है बाय नाउ पे लेटर, मतलब अभी खरीदो, आप पे बाद में करना, ठीक है। ऑप्शन आपके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, BMW इंडिया, होंडा मोटर्स, TVS मोटर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा BMW की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देखो आपका आंसर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी जो है वो इंडिया की नंबर वन कार कंपनी है। मारुति सुजुकी, देखो मारुति पहले अलग थी, सुजुकी अलग थी, हालांकि सुजुकी अभी भी अलग है। सुजुकी की अलग एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, सुजुकी हयाते, सुजुकी जिक्सर्स अलग से आती है, ठीक है। पहले जो सबसे पहली बाइक आई थी मारुति की, आई थी मारुति 800। जब उस टाइम सुजुकी के साथ इसका करार नहीं हुआ था तो आया था मारुति 800 AC कार जो बोलते थे, सबसे छोटी। इसी के बाद मारुति ने इसी के रेंज के लिए निकाला हुआ है ऑल्टो, ठीक है, इसी रेंज में। उसके बाद मारुति और सुजुकी मर्ज हुई, तो अब जो कार आती है वो मारुति सुजुकी के नाम से आती है। सुजुकी स्विफ्ट देख लो, स्विफ्ट डिज़ायर देख लो, मारुति सुजुकी वैगन आर देख लो, बहुत सारी कार्स है जो मारुति सुजुकी के रेंज में है। और मारुति सुजुकी के, इसकी वजह से ही मारुति सुजुकी जो है वो नंबर वन कार कंपनी है इंडिया की। क्लियर? गुड़गांव के मानेसर में इसका बहुत बड़ा प्लांट है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट,
विच कंपनी हैज एलिवेटेड मोहित गुप्ता एज इट्स को फाउंडर, किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को अपना को फाउंडर बनाया है? स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, मिंत्रा? आंसर है आपका जोमैटो। जोमैटो के एक बहुत फेमस हुआ था एक लड़का जिसका नाम था सोनू, है ना, उसकी स्माइल काफ़ी फेमस हुई थी। नेक्स्ट, पुलिट्जर विनिंग इंडियन ओरिजिन फिजिशियन, पुलिट्जर विनिंग इंडियन ओरिजिन फिजिशियन जो है सिद्धार्थ मुखर्जी को अपॉइंट किया गया है किस स्टेट कमीशन का इकोनॉमिक रिकवरी? आंसर है आपके न्यूयॉर्क। विच स्टेट हैज सेटअप अ माइग्रेशन कमीशन, किस स्टेट ने एक माइग्रेशन कमीशन सेटअप किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने एक इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जो बोल जिसे बोलते हैं, एक स्पेशल एफडी किया है स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए, जिसे हम कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी। ठीक है, अब आप मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? मैंने आपको एक वीडियो में आईसीआईसी की फुल फॉर्म भी बताई थी, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखना, और मैंने ये भी बताया था कि कौन है एमडी एंड सीईओ। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक 11 मेंबर की कमेटी बनाई है टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपेडाइट, सिंप्लीफाई एक्सपेडाइट करने के लिए द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, जो ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस है, ड्रग मतलब जो दवाई वगैरह आती है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमेटी, उस चेयरमैन के कमेटी कौन है? आंसर आपका राजेश भूषण। क्लियर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से किस स्टेट ने हज अनाउंस टू ऑब्जर्व, जिन्होंने अनाउंस किया है कि मई 25, 2020 जो है वो झीरम ट्रिब्यूट दिवस के रूप में मनाया जाएगा? किस स्टेट ने ये फैसला लिया है कि 25 मई 2020 को झीरम ट्रिब्यूट दिवस मनाया जाएगा? आंसर है आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, आज की ट्रिक मैं बताऊंगा नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आज मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इंटरनेट की वजह से कितने बदलाव आए हैं, मतलब एक इंटरनेट जो है उसने लोगों को ज़िंदगी को कितना बदल दिया। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, अब तो खैर मार्केट प्लेस हो गई, अमेजन, वो खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, अमेजन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन सारा काम किससे चल रहा है? इंटरनेट से। वहाँ से किसी ने प्रोडक्ट डाला, यहाँ अमेजन ने उसके वेयर हाउस से उठा के अप्रूव किया। और आपको ये भी बता दूँ कि अमेजन का सबसे बड़ा वेयर हाउस है, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो 3 या 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर, इतना बड़ा वेयर हाउस है अमेजन का। इसीलिए अमेजन जो है वो नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, अब ये देखो कि अमेजन के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी और के प्रोडक्ट, आप अमेजन पे किसी ने सोचा होगा अमेजन का प्रोडक्ट नहीं, आप अमेजन पे कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हो, सैमसंग का मोबाइल ढूंढते हो, माइक्रोमैक्स का ढूंढते हो, रेडमी का ढूंढते हो, जो भी होता है। ऊबर जो है ना, तो ऊबर का कोई भी गाड़ी खुद की नहीं है, ऊबर की कोई गाड़ी खुद की नहीं है, लेकिन कंपनी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की वजह से किसी ने राइड बुक की, उसके पास लोकेशन गई, उसने ड्राइवर को भेजा, वो ड्राइवर भी किसी और का, कार भी किसी और की, लेकिन चला कौन रहा है? उबर। नेटफ्लिक्स कोई टीवी चैनल नहीं है इसका, नेटफ्लिक्स जो है वो कोई टीवी चैनल नहीं है, लेकिन स्टिल इंटरनेट की वजह से पॉपुलर है। तो ये सब देखो, इंटरनेट पे लोगों ने बहुत सारे डिबेट भी किए हुए हैं कि इंटरनेट ने ख़राब कर दी है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो इंटरनेट में कोई ख़राबी नहीं है, आपको उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज वगैरह है चलती है, वो सारा काम उनका इंटरनेट पे ही होता है, उनका सारा काम मेल सिस्टम पे होता है कि मेल कर दो, उनकी खुद की एक मेल आईडी बनती है। अगर आप किसी एमएनसी में लग जाते हो, कहीं जॉब लगते हो, तो आपको उस कंपनी की मेल आईडी मिलती है, तो ये सारा काम तो उनका नेट से ही चलता है। तो इसीलिए इंटरनेट देखो कितना, कितनी बड़ी वैल्यू है इंटरनेट की।
और एक दूसरी चीज़ और है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब भी मिले, जब भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी उसको खोना मत। आज से 16 साल पहले जिसने फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग, उन्होंने 5 लोगों को अपने रूम में बुलाया था। 16 ईयर्स अगो ही कॉल्ड अ 5 पीपल्स इन टू हिज रूम और उसने ये बोला कि मेरे पास एक आइडिया आया है, एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जहाँ पे लोग लाइक कमेंट ये सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक फेसबुक के बारे में बताया कि ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, जब मना करता है तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं ठीक है देखते हैं जो भी होता है। तो 5 में से 3 ने तो आए ही नहीं उसके पास वापस, उसमें से 2 वापस आए कि चलो ठीक है आइडिया अच्छा है, बिजनेस है आइडिया अच्छा है। और वो 2 है जो है वो आज मार्क जकरबर्ग के साथ अरबपति बने हुए हैं। उन 2 के नाम है डस्किन मॉस्कोविच एंड ड्यूराडो सेवरिन। आप नेट पे सर्च करना, ये आज के डेट में अरबपति बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। तो लाइफ में आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले इसको मिस नहीं करना। क्लियर? जो बातें बता रहे उसको ध्यान दीजिए। वे मतलब कि एक सोचने वाली बात है कि सबके पास आती है अपॉर्चुनिटीज, बस ये है कि आप ले कैसे सकते हो उसको, ये डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं ट्रिक आपका। आज की जो ट्रिक है, मैं ये नेशनल पार्क बताऊंगा मैं आपको, कर्नाटका के राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। देखो इजी तरीका याद करने का कि राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, कर्नाटका की बात कर रहे हैं अपन, नागरहोल नेशनल पार्क, कूड़े कूडेरमुख नेशनल पार्क, अंश अंशी नेशनल पार्क, बैन बैनर क्या था नेशनल पार्क। देखो राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। सबसे तरीका नेशनल पार्क याद करने का, कर्नाटका के राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुडेरमुख नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क एंड बनेरघट्टा नेशनल पार्क। क्लियर है? सिंपल ट्रिक है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको, आपके पास आपकी चीज़ें पहुँचे। ठीक है? और अपने फ्रेंड से जिनसे भी हो सके, जो भी तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप उसको उनको भी सजेस्ट करें कि चैन एजे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, जो भी आपके सजेशंस होंगे उस पर हमारी टीम काम करेगी और फिर हम आपको अच्छे सी वीडियोस बना के दे पाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू।